स्टूडेंट वेलकम बैक टू क्रिएटिव कमांडमेंट कॉलेज। टुडे आई एम डिस्कसिंग केस थर्ड। व्हाट इज केस थर्ड? शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इज टेकन बाय ओनली वन पार्टनर। यानी क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ए बी सी, सपोज दैट ए बी सी थ्री पार्टनर्स हैं, थ्री पार्टनर्स में एक पार्टनर्स रिटायरमेंट ले लेता है और उस रिटायरमेंट वाले पार्टनर्स का जो पार्ट है किसी एक पार्टनर्स के द्वारा लिया जाएगा, दूसरे पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। तो सपोज दैट हम यहाँ पर एक क्वेश्चन अजीव करते हैं, ए बी सी आर पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 2:2:1। यानी ए बी सी एक फर्म में पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो जो है 2:2:1 है। उसके बाद सपोज दैट हम क्या करते हैं, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म। यानी बी को फर्म से हम रिटायरमेंट दे देते हैं एंड हिज शेयर टेकन बाय सी। यानी बी को रिटायरमेंट दे देते हैं और बी का जो पार्ट है सी के द्वारा ले लिया जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो आपको पता होगा कि जब बी रिटायरमेंट लेगा तो बी का जो पार्ट है सी को दिया जाएगा, तो सी का हिस्सा कौन है, ए है, ए बी है और ये सी है। ये क्या है, ए बी और सी तीनों का क्या है, ओड रेशियो है। बी को हम क्या करते हैं, फर्म से रिटायरमेंट देते हैं और बी का जो पार्ट है, बी का पार्ट किसको दिया जाएगा, सी को दिया जाएगा। तो सी का रेशियो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और ए को कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ए का जो रेशियो है क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि ए के पास कुछ भी पार्ट नहीं आएगा। तो हम उसको कैलकुलेशन क्या करना है, न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जब ए को कुछ पार्ट मिलेगा नहीं तो ए का जो न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो होगा क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, अनचेंज होगा क्योंकि ए को बी का पार्ट नहीं दिया जा रहा है और बी का पार्ट जो है सी को दिया जाएगा। तो सी का जो न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का क्या होगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ऐड करेंगे न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ए। ए का न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, यानी 2/5 रहेगा और ब्रैकेट में आप ऐड कर सकते हैं अनचेंज, यानी कोई चेंजिंग नहीं आई क्योंकि ए का जो पार्ट था उसको ना ही कुछ मिला है और ना ही उसको कुछ उससे लिया गया है। तो ए का क्या है, बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 2/5 और ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे अनचेंज, यानी ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उस तरह आप क्या करेंगे, सी का निकालेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी। सी का शेयर कितना होगा, सी के पास ओल्ड कुछ था, ओल्ड कितना था, 1/2/5 कितना था, 5 था। उसके बाद सी का नहीं, उसके बाद कितना था, 1/5 था, यानी ओल्ड रेशियो प्लस
बी रिटायरमेंट हुआ, बी रिटायरमेंट हुआ उसे कितना पॉइंट मिला उसको, 2 अपॉन 5 पॉइंट मिल गया। तो सी का न्यू प्रॉफिट लॉस शेयर रेशियो क्या होगा तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन करने पर आपको पता चलेगा कि सी का न्यू प्रॉफिट लॉस शेयर रेशियो क्या होगा, 2 अपॉन 5। क्योंकि यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ए के पास सपोज दैट 1 रुपये, यानी सी के पास 1 रुपीज है और बी रिटायरमेंट जब लेता है उसके पास 2 रुपीज थे और बी का जो पार्ट था सी को दे दिया बी ने, तो ए के पास सी के पास 1 रुपीज पहले से थे, बी ने 2 रुपीज और दे दिए, तो सी के पास टोटल रुपीज कितने हो गए, 3 हो गए। तो हम कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं कि ए के ओल्ड रेशियो कितना था, 1.5 था, यानी 5 रुपये में 1 रुपीज सी के थे, उसके बाद 2 रुपीज जो है बी से मिल गए, तो टोटल रुपये उसके पास कितने हो गए, 3। यानी ए सी का जो है न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 3.5। यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं अब न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 2/5 रेशियो 3/5। दोनों को डिनोमिनेटर के हम लोग सेम है, तो ए और सी का न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या हुआ, 2:3 हुआ। ठीक, तो अब क्या है गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो में भी ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सी का केवल गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो हम राइट करेंगे नाउ वी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ऑफ ए, गेनिंग रेशियो ऑफ ए। तो फार्मूला आपको लगाना है, फार्मूला लगाना है ओल्ड रेशियो गेनिंग, नाउ वी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ऑफ ए, फार्मूला लगाना है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो ए का क्या है, ए का न्यू रेशियो निकल के आया है 2:5 यानी 2/5, और ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो ए का क्या था, 2/5। यानी डिनोमिनेटर आपके क्या है, बिल्कुल सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करने पर आपका क्या पता चलेगा, 2 - 2/5 इक्वल टू 0/5। तो यहाँ पर ब्रैकेट में ऐड करेंगे नो गेन, ए को कोई गेन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बताया गया था कि जो पार्टनरशिप रिटायरमेंट होगा उसका पार्ट केवल सी को दिया जाएगा, तो केवल सी को ही तो गेनिंग होगा, तो यहाँ पर ए को बिल्कुल गेन नहीं होगा, यानी 0 गेन होगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे नो गेन। अब हम क्या करेंगे, सी का गेनिंग रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी का गेनिंग रेशियो ऑफ सी। तो यहां पर ऐड करेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ सी इज इक्वल टू, फार्मूला आपको सेम कराना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू आपको पता है कि सी का कितना था, सी का पार्ट कितना था, 3। यहाँ पर ऐड करेंगे 3/5 माइनस ओल्ड कितना था सी का, 1, यानी 1/5। दोनों को डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल सेम है, इस तरह क्या आएगा 3 - 1/5 कितना, 5। यानी सॉल्व करने पर पता चलेगा कितना, 3 से हम माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2/5। इस तरह से ये क्या हुआ, 2/5 क्या हुआ, गेनिंग रेशियो ऑफ सी। तो यहाँ पर ऐड करेंगे फर्स्ट गेनिंग रेशियो ऑफ
इक्वल टू 2/5 और जो ए है ए का गेनिंग रेशियो क्या है 9 है, बिल्कुल 9 गेन हुआ है। तो इस तरह से आपको पता चल गया है कि जब थ्री पार्टनर्स होंगे, थ्री पार्टनर्स में एक पार्टनर्स का रिटायरमेंट होगा और उसका पार्ट ओनली किसी एक पार्टनर्स को दिया जाएगा, तो याद रखना कि न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो जो है केवल उसी का चेंज होगा जिसका रिटायरमेंट वाला पार्टनर्स का शेयर जिसको दिया जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो केवल उसी के चेंज होंगे, और जो एक रिमेनिंग पार्टनर्स होगा जिसको कुछ भी पार्ट नहीं दिया जाएगा, ना ही तो उसका न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और ना ही उसका गेनिंग रेशियो चेंज होगा। ठीक है, इस तरह से हम केस जो फोर्थ होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि केस फोर्थ किस प्रकार से होता है।